और आप कसूरवार है एक बच्चे के कातिल। मीरा, खुदा के वास्ते आप दोनों चुप हो जाएं, दादी मां सुन लेंगी। समन, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं तुम्हें सारी आसाइशें दे ही ना पाऊं। पर तो दे सकते हो ना, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन साइम जब उस घर को बेचने का कहेंगे तो मैं उन्हें रोक थोड़ी ना सकती। तो उसको कहना कि तेरे नाम पर है वो घर, तेरी मर्जी के बिना वो नहीं बेच सकता उसे। आए बाबा, वहां से केक काटे। मैं थोड़ा सा थका हुआ बेटा, कैरी ऑन। चाय लाऊं आपके लिए? पहले तो बाबा को मेरी बर्थडे याद रहती थी, आज तो वो गिफ्ट भी नहीं लाए और मैं से केक भी कट नहीं किया। ओह माय गॉड, आई होप हसन को ये चीजें पसंद आएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएंगी। वैसे भी मैं दुकानदार को कह के आया हूँ कि अगर मेरे बेटे को कोई चीज पसंद ना आई तो सारी वापस कर दूंगा। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ राह तो दिखा, मेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। हेलो जी, जी ये साइम का ही घर है क्या? कब कौन से हॉस्पिटल में है? अरे अल्लाह खैर,
अच्छा ठीक है ओके। अम्मी टाइम को क्या हुआ? बेटा वो कह रहे हैं कि बेहोश हो गया था और लेके गए हॉस्पिटल। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी बकवास बंद करो। अच्छी तरह जानती हूँ फहद और उसकी बीवी से ये जो घंटों घंटों बात करती रहती थी ना, वो रंग ले आया। और बकवास मैं बंद रखूं? अरे ये तो साइम का बड़प्पन है जो उसने तुम जैसी नागिन को अपने घर में जगा दी। कैसे बातें कर रही हो तुम सहर? दादी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, साइम का कारोबार जो बंद हुआ है ना, मीराबाजी की वजह से हुआ है। इन्होंने ही फहद को उकसाया होगा। ऐसी हरकतें सिर्फ तुम कर सकती हो, और मेरा नाम भी अपने मुंह से दूर रखो। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम दोनों? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है साइम के पास, मैं मेरा बैग। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। साइम बेटा कैसे हो तुम? क्या हुआ, क्या था? किसी ने बताया तुम हॉस्पिटल में थे? ऐसे ही अम्मी, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, परेशान हो गया था, और कुछ नहीं। साइम आप वाकई ठीक तो है ना? हाँ बेटा, जो होना था वो तो हो गया ना, अब खामखा स्ट्रेस लेने से फायदा है ना दादी? मैं इन्हें यही तो समझाती रहती हूँ लेकिन ये सुनते ही नहीं। हमारे नुकसान का फायदा तो हमेशा हमारे दुश्मनों को होता है। बेटा अगर तुम कहो तो मैं खुद फहद से बात करके देख लूं, हो सकता है मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। अगर वो समझने वाला होता तो इतना बड़ा कदम थोड़ी उठाता। अच्छा खैर, आप परेशान मत हो, थोड़ी देर कमरे में आराम करने लगा। समन मेरी घड़ी तो ला दो यार। सामने ही तो रखी है हमजा। थैंक यू। तुम तैयार हो गई? यस आई एम रेडी, निकले बस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हो गए तुम लोग? जी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी बेटा। हुकुम करें। रात में सीमा को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसे लोग हैं? तसल्ली कर ली ना आपने? तसल्ली तो मिलके ही होगी ना बेटा। वैसे सबिया बाजी बता रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, उसका अपना गैराज है। मैंने लड़के को बुलाया है, तुमने जो भी पूछना हो तुम पूछ लेना उससे। जी जी अम्मी जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही दफा में मामला निपट जाएगा। हाँ बस आते हुए एक काम जरूर करना, अपने साथ ना कुछ खाने पीने की चीजें लेते हुए आना, मेहमान है उनके सामने खाली चाय रखते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा ना। जी जी अम्मा बिल्कुल ले आऊंगा, अब जरा हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। हाँ हाँ खैर से जाओ, लेकिन मेहमानों से पहले लौटने की कोशिश करना। बेस्ट ऑफ लक सीमा। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी, लड़के वाले देखते ही हाँ कर देंगे। आप जरूर, लेकिन मेरे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है, अगर आप मुझे कोई अपना जोड़ा दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुम्हें खुद निकाल कर दे देती। एक काम करो, तुम्हें मेरी अलमारी में से जो भी पसंद आए ना वो पहन लेना। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मौकों पे भाई और भाभी ही तो काम आते। अच्छा भाई जाओ तुम लोग, लेकिन रात को वक्त पे आना, ठीक है? देखने रही चोटी बना रही हूँ, उधर दूर रख, सारे बाल चले जाएंगे चाय में। मैं यहाँ रख देती हूँ, पी लेना। अच्छा अच्छा रख दे, पी लूंगी। सुन ये इमरान के सामने ना ज्यादा बनने की कोशिश ना किया कर, तेरी आदत को अच्छी तरह से समझती हूँ मैं, तू तो चाहती यही है कल की मरती आज मर जाऊं। अम्मा तो क्यों सुबह सुबह अपना और मेरा मूड खराब कर रही है? चाय रख दी है मैंने, पी लेना। नहीं पीनी मुझे तेरे हाथ की चाय। Thank you.
जो कुछ यहाँ चल रहा है ना साहिब, जिस तरह हमारे कंपनी के शेयर्स मुझे गिरते जा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी सड़कों पे आ जाऊंगा। ना काम की तरफ तुम्हारी अटेंशन है, ना इस बात का होश कि डूबती कंपनी को बचाना कैसे, तो फिर मैं पागल हूँ जो इस डूबती कश्ती में बैठकर डूबने का इंतजार करूँ? तुम्हारी टक्कर का रिश्ता लेकर आई हूँ राजदा। अच्छा, बस आगे तुम संभाल लेना। लड़की तो तुमने देखी भी है ना, वो लोग आ रहे हैं इमरान को देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, इमरान को अभी फोन कर देती हूँ और उनकी खातिर मदारत की बिल्कुल फिक्र नहीं करना, बहुत अच्छे से करूंगी। बस तुम उन लोगों को ये बता दो कि रिश्ता मुझे जल्दी करना है। अरे हाँ हाँ, मैंने बोल दिया है, वो लोग राजी भी हैं। भले से तुम एक हफ्ते के अंदर निकाह कर दो, लड़की लाखों में एक है। अल्लाह, तेरी आंखों से शर्म लिया थट गया क्या अम्मा? जो घर में बहू होती है वो तो इमरान के लिए दूसरी लड़की छुप छुप के ढूंढ रही है। अरे मुझे क्या जरूरत है छुप छुप के ढूंढने की, डरती हूँ क्या मैं तुझसे? तुझसे तो मैं बात नहीं रखूंगी, पहले मैं इसकी तबीयत साफ कर लूँ। तुझे मैंने कहा था ना मेरे घर मत आना, क्यों आई है तू? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, राजदा ने बुलाया था मुझे। राजदा देख रही क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है क्यों? हैं, मैंने लड़की वालों को बुलाया है, तू होती कौन है मेरे मेहमानों को मानने वाली? जो बोलने हैं मुझे बोल, इसे कुछ नहीं कहना तूने। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, तेरी तबीयत साफ करती। देख इस लड़की का, पागल हो गई है, क्यों आई है तू? हट, 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 अच्छा। अरे राजदा, मुझे बाहर खाने के लिए बुलाया था। हाँ, अगर लड़की वालों को लाए ना, इससे पूरा हशर करूंगी मैं तेरा। अरे अरे सुन तो सही, मेरे बुलाए हुए मेहमानों के साथ तू इस तरह से करेगी? इससे ज्यादा बुरा सलूक करूंगी, और अगर तेरे रिश्ते वाले घर आए ना तो पूरे मोहल्ले में तमाशा करूंगी, पुलिस को भी बुलाऊंगी। धमकी दे रही है मुझे? धमकी नहीं दे रही, बिन माँ की औलाद के साथ ये करते हो, तुझे शर्म नहीं आती अम्मा? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? दिन रात तेरी खिदमत करती हूँ, बारिश हो या धूप नहीं रुकती, तू किसी हाल में खुश नहीं होती, बल्कि मेरे लिए सौतें ढूंढ रही है तू। हाँ करूंगी, करूंगी मैं, नहीं है पसंद तू मुझे। पसंद तो तू भी नहीं है मुझे, पर इमरान की माँ कर रही हूँ ना बर्दाश्त। अरे तो ना कर, किसने कहा है? किसी ने हाथ पांव जोड़े हैं तेरे सामने? पत्थर दे ले अम्मा। तो इस पत्थर से सर मत फोड़, निकल जा यहाँ से। अगर इस घर में इमरान की दूसरी बीवी आई ना, मैं खुद को मार दूंगी, याद रखना तू। अरे जा जा, मर दफा हो, जला दूंगी, बड़ी आई गुंडी कहीं की डंडे दिखाती है मुझे, करूंगी मां की शादी। देखती हूँ क्या करती है तू, मेरे आए मेहमानों के साथ इस तरह से सलूक करेगी। ये वाला भी कर लो, ये वाला भी। ओके, अब तुम जरा देख लो उसको। परफेक्ट। आई होप कि बस प्रेजेंटेशन पसंद है उनको। आज ही इंशाल्लाह पसंद, हमने इतनी मेहनत की है भाई इस पे। तुम्हें पता है कि आज सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या मुझे साइन से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या हुआ अमजा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो समन पे? बस यार ऐसे। कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर कर सकते हो, मे बी मैं तुम्हें कोई हेल्प कर सकूं।
यार सुमन मेरा घर जाना चाह रही है हसन से मिलने के लिए। सो शाम को लड़के वाले आ रहे हैं सीमा को देखने के लिए, वहां के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, तुम ऑफिस से जल्दी ऑफ लेके पहले मीरा आपी के घर चले जाओ, और अगर तुम्हें साइम से नहीं मिलना तो तुम घर के बाहर ही रहना, अंदर मत जाना। अच्छा चलो अब चल के लंच कर लो, तुमने लंच भी नहीं किया है। रख दो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, बैठो ना। आप बिजी लग रहे हैं, मैं बाद में बात कर ली। अरे नहीं बाबा, तुम्हें तो मेरी आदत का पता ही है, जब तक अखबार सुबह से लेकर शाम तक खत्म ना कर लूं एक तबीयत में बेचैनी रहती। जी मैं इसीलिए कह रही थी। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं दो मिनट अखबार ना छोड़ सकूं। रख दिया अखबार। आपने वापस आने के बारे में क्या सोचा? वापसी? कहाँ वापसी? मैं यूरोप वापसी की बात कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं अस्मा, तुम क्या कहना चाह रही हो? यूरोप वापस जा, मैं आप और बच्चे। लेकिन क्यों? मैं वहां से सब कुछ खत्म करके यहाँ वापस आया, अब वहां वापस जाने की बात मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अस्मा आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मुनीर मैंने बहुत सीधी और आसान बात की है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम वापस चले जाएं और वहीं सेटल हो जाएं जहाँ पे हम पहले थे। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता था कि अपनी बात का मतलब मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मैं वाकई तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। हम यहाँ इसलिए लौटे थे कि अपनों के दरमियान अपने मुल्क की इकदार अपनी औलाद को फलता फूलता देखेंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ या हो रहा है उसे देखकर मुनासिब यही है कि हम वापस चले जाएं। दूर रहूंगी तो कम से कम दिल को ये तसल्ली दे सकूंगी कि दूर हूँ, अपनों से मिल नहीं सकती। इतने करीब रहकर भी जब उनसे मिलने की हसरत दिल में रहे तो ऐसी नजदीकी का फायदा क्या? फिर हमारे आपस के ताल्लुकात भी मुतासर हो रहे। आप ठंडे दिल से सोचकर अपने फैसले से मुझे आगाह कर। घर पे क्या कर रहे हैं? ओ, बुलावा आ गया होगा शायद। बुलावा? अरे मुझे कौन बुलावा देगा? ज़्यादा बीवी की तरफदारियां करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूछती हूँ देर हुई क्यों जब मैंने कहा था कि घर जल्दी लौटना। अरे अम्मा समन के भांजे की सालगिरह थी, बस हम उसे विश करने चले गए थे और फिर वापसी में रास्ते में बाइक खराब हो गई। भांजे को तोहफा देना जरूरी था या मेरी बेटी का रिश्ता ज्यादा जरूरी था? खुदा कुछ रहा तो दिखा। साइम को तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता, कभी इतने अच्छे बन जाते हैं
और कभी इतने गैर बन जाते हैं कि पहचानते भी नहीं। कैसे मुंह भर के कह दिया कि कमरे से चली जाओ। कब तक उनके मूड को इसी तरह देखती रहूंगी? कब आएगा वो वक्त जब मैं इस घर पे शहजादियों की तरह राज करूंगी? जल्दी ही इस मीरा और हसन को इस घर से निकालना होगा। इससे पहले ये लोग मुझे इस घर से निकाले, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। किसकी माँ ने जिंदगी तंग की हुई है और ये फोन ही नहीं उठा रहा। शाम हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं है? तू कहाँ जा रही है? तेरी तरफ ही आ रही थी। मेरी तरफ? खैरियत? तू इस वक्त घर पे क्या कर रहा है? ओ, बुलावा आ गया होगा शायद। बुलावा? अरे मुझे कौन बुलावा देगा? साफ साफ बता, तेरा फोन क्यों बंद है? अब सारी रात फोन पे गाने सुनूंगा तो फोन तो बंद होगा ही ना। चार्ज करना भूल गया था इसलिए चार्जर लेने आया हूँ। चार्जर लेने आया? हाँ। तू ऐसे क्यों घूर रही है? क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहा है क्या हुआ है? तेरी माँ ने लड़की वालों को घर पे बुलाया है, लड़की खुद देखकर भी आई है, मुझे कानो कान खबर भी नहीं हुई। ज्यादा मासूम मत बन, साफ साफ बता कि लड़की वालों से मिलने के लिए आया है। अबे कौन सी लड़की, काय का बुलावा, इधर उधर की क्यों मार रही है तू? बताया था चार्जर लेने आया था। तो फिर किस बलबूते पे तेरी माँ ने लड़की वालों को घर पे बुलाया? तो ये बात अम्मा से पूछना। उससे क्यों पूछूं? तू क्यों नहीं बताता ये कौन सा चूहे बिल्ली का खेल कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ? दिमाग की दही मत किया कर, बताया था कि चार्जर लेने आया था, तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? पता नहीं क्यों कर रही है तेरी माँ मेरे साथ ऐसा। लड़की वालों को घर पे बुलाया उसने और खुद लड़की देखकर भी आई है ताकि बात आगे बढ़े।
आपके लिए कौन सा सूट निकालूं पहनने के लिए? सूट क्यों भाई, कहाँ जाने का इरादा है? भूल गए आप, आपके दोस्त दिलावर भाई ने इनवाइट किया है, गेट टुगेदर है आज रात उनके घर में ना। मैं तो सच में भूल गया था, लेकिन ऑनेस्टली नायला मेरा बिल्कुल जाने का मूड नहीं कर रहा। क्यों? उन्होंने बहुत इसरार करके हमें इनवाइट किया था, और फिर आप ही ने तो कहा था जाना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, मैंने कहा था जाना जरूरी है, अब मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना है। ठीक है, मैं फोन करके माजरा कर लेता हूँ। अमजद, क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं, सब खैरियत तो है? अब क्या बताऊं नायला, जो सच है वही बताएं। अम्मी की कॉल आई थी, बता रही थी कि सायम का बिजनेस वाइंड अप हो गया। खत्म हो गया? ऐसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? नेचुरली इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं हुआ है नायला। अम्मी बता रही थी कि सायम की अदम दिलचस्पी के बिना फहद ने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी है। जो तमाशा होता रहा है और जो अब तक हो रहा है, आपको क्या लगता है इन हालात में सायम दिलचस्पी लेता अपने बिजनेस में? नेचुरली, और ऊपर से तमाम बिजनेस कम्युनिटी में बात फैल चुकी है कि सायम ने किसी मासी से शादी कर ली है। अब शायद फहद ने पार्टनरशिप इसीलिए डिसॉल्व की है क्योंकि आगे जाके उसे नुकसान ना हो। ये गलत उठे कदम ने हम सबकी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया, और अब सायम क्या करेगा, वो तो बहुत परेशान होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करेगा, जाहिर सी बात है परेशान है। देखिए अमजद, मेरी बात माने तो इस वक्त सारे गिले शिकवे भुला कर ना आपको सायम का हौसला देना चाहिए, ऐसे मुश्किल वक्त में अपने ही तो सहारा बनते हैं। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है करता हूँ बात उससे। कब चाय पिला दोगी? जी। घुमा दिया इसने फोन, चलाया इसका आंचल पकड़ के माँ के पास। मैंने कोई फोन नहीं किया, खुद आया ये। अम्मा तूने कौन सा नया खड़ाक पाल लिया? खड़ाक मैंने नहीं पाला, खड़ाक तो तूने पाल रखा है, लाके इसे मेरे घर में बिठा के जिसको बुलाती हूँ उस पर डंडे बरसाती है ये। हाँ तो मत बुलाया कर ऐसे वैसे लोगों को। अम्मा तूने कौन सी लड़की देख ली और किसको बुला लिया घर पे? कोई भी नहीं आ रहा, मना कर दिया उसने, और आइंदा भी वो नहीं आएगी जितने इसने डंडे दिखाए हैं। बहुत अकलमंद थी जो उसको समझ आ गई। तूने सुन लिया, तसल्ली हो गई तुझे? मैंने कहा था ना तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। अम्मा तू क्यों ऐसा कर रही है, जब ये तुझे खुश रखने के लिए हजार जतन कर रही है तो तू छोड़ देना उसका पीछा। बेबी की दो दिन की अय्यारी में की हुई खिदमत तुझे याद है, है? और माँ जिसने सारी जिंदगी तेरी खिदमत में गुजार दी, बड़ा किया, उसका कोई फायदा नहीं। देख अम्मा, मैं इसको अच्छी तरह समझा दिया है कि तुझसे बना के रखे तभी तो उस घर में टिक सकती है ये, लेकिन अम्मा उसके लिए तुझे अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अपना दिल बड़ा करेगी तभी तो उसकी खूबियां नजर आएंगी तुझे। जो इसमें है नहीं ना वो ना बता तो ज्यादा अच्छा है, और तू इसकी हिमायत लेके मेरे पास ना आया कर। दोनों ने क्यों इस घर को जहन्नुम बना दिया यार? मैंने जहन्नुम नहीं बनाया, तेरी माँ ने जहन्नुम बनाया, और अब सब कुछ तो बता दिया उसने, पीछे क्या बचा है? देख, ज्यादा टटर ना कर मेरे सामने। सुबह वाला वाकया मैंने बर्दाश्त कर लिया, इसका ये हरगिज मतलब नहीं तू मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाए। चोटी काट के हाथ में दे दूंगी तेरे। चोटी काट दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी,
मैं भर चुकी हूँ तेरी इन बातों से अम्मा। कभी तेरे पास वक्त हो ना तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना, इसका दिमाग ठीक कराने। और भी कुछ बुलवाना है क्या उसको? बोले जबान देख रहे उसकी, तुझे शर्म नहीं आनी? कब से तुम दोनों को तो देख रहा हूं मैं, अपनी बर्दाश्त आजमा रहा हूं। जा रहा हूं मैं, छोटू को बिठा गया था खोखे पे चार्जर लेने के लिए, घर आया तो उल्टा तुम दोनों ने मेरा दिमाग शार्ट करके रख दिया। अरे कैसे हो इमरान बेटा? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम इमरान बेटा, कैसे हो? ये इमरान बेटा हर वक्त तेरे घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें क्यों आती रहती हैं? खाला क्या बताऊं, वो तो मैं भी रोज उसके झगड़े से आजिज आ गया हूं। अच्छा वो तेरी माँ बता रही थी कि तू दूसरी शादी कर रहा है? अरे खाला क्या बताऊं, समीना की और अम्मा की आपस में बनती नहीं। अम्मा चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, बस इसी बात को लेके दोनों में आए दिन फसाद चलता रहता है। तो तू क्या चाहता है, क्या तेरी भी अपनी बीवी से नहीं बनती? अरे नहीं नहीं खाला, मेरी तो पसंद की शादी है। जब ही तेरी माँ को वो एक आंख नहीं भाती, तू एक काम क्यों नहीं करता, कहीं और ले जा अपनी बीवी को। क्या मतलब? अरे भाई अगर तेरी माँ को तेरी बीवी की शक्ल पसंद नहीं है तो कहीं और घर लेकर रह ले, ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े से बचेगा तू। अरे मुझे कौन देगा मकान, अभी अभी मेरा कारोबार बंद हुआ है और ये खोखा भी अम्मा का ही है। देख बेटा मेरा काम था तुझे मशवरा देना, जो मैंने तुझे दे दिया। अब कारोबार में नफा नुकसान तो आम सी बात है, अभी तो तुझे ये सोचना है कि कैसे पीछा छुड़ाना है इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से। तू परेशान मत हो, सोच समझ ले, कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही आएगा। मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, वो तेरे लिए कोई ना कोई मकान ढूंढ देगा, आजकल वो यही काम कर रहा है। शुक्रिया खाला। चल मैं चलती हूँ फिर। जरा जल्दी आ गए। वो दरअसल ना इनके दामाद बेटी रात को इनके खाने पर आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा शाम में ही चलते हैं सीमा को देखने के लिए, इसीलिए मैं लेकर आ गई इन लोगों को। अच्छा अच्छा, हम लोग तो आपके रात में मुंतजर थे। लगता है हमारे बेवक्त आने पर आपको ज्यादा ही परेशान हो रही है, अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है हमें। असल में मेरा बेटा जॉब से लौटा नहीं है अभी तक, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान थी। अगर वो होता घर पे तो आपके बेटे से वही बात करता। ऐसे मामलात में भाई या वालिद वही बात करते हुए अच्छे लगते हैं ना। लेकिन इस टाइम तक तो आपके बेटे को वापस आ जाना चाहिए था। ऐसी कौन सी जॉब करता है जो उसको अब तक छुट्टी नहीं मिली? चलें, बेटा ना सही तो आपकी बहू भी कहीं नजर नहीं आ रही, वो भी हमसे अब तक सलाम दुआ करने तक नहीं आई। वो भी घर पे नहीं है, वो भी जॉब करती है, दोनों साथ ही लौटेंगे। सभिया तुमने बताया नहीं हमें कि इस घर की बहू बेटियां जॉब करती हैं? वो बस मैं नहीं, बेटी नहीं सिर्फ बहू जॉब करती है। बात तो वही हो गई ना, इस घर की बहू बेटियां नौकरी करती हैं। देखिए बहन, हमने तो सुना था हाल ही में आपके बेटे की शादी हुई है और इतनी जल्दी आपकी बहू जॉब पर भी जाने लगी। वैसे हमारे यहाँ औरतों के काम पर जाने को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। बहन आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जॉब करने का शौक होता है उनको। तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें हमारे आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। जी मैंने बता दिया था, लेकिन हम लोग जल्दी आ गए। लगता है कुछ जल्दी आके हम लोगों ने गुनाह सा कर दिया, अब माफ भी कर दीजिए हमें बहन जी। नहीं नहीं बहन, मेरा मतलब ये नहीं था, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए बहन, बेटी वाले तो इन बारीकियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं कि किस तरह से इस्तकबाल करना चाहिए। शादी लड़के और लड़की के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान का मामला है, ये तो आप बखूबी जानती होंगी। फाखरा सीमा को बुला लो भाई, बहुत देर हो रही है। जी जी मैंने उसको बता दिया था, वो तैयार हो रही है, बस आते ही होगी। लीजिए वो आ गई, आओ बेटा आओ।
चाय रखो यहाँ, सलाम करो ना सबको। बस बहन समझ आ गई, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और सभिया आइंदा अगर ऐसे वैसे घर में दोबारा लेकर आई ना तुम्हें तो मैं खुद ही देख लूंगी। हाँ बैठे हुए क्या हो, चलो सब। लेकिन हुआ क्या, बात तो बताएं आप लोग। बस चलते हैं, शुक्रिया। फाखरा तुमने ठीक ठाक बेइज्जती करवा दी है मेरी इन लोगों के सामने। सभिया बात तो सुनो। अरे बस रहने दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या हुआ अम्मा, अभी सभिया खाना दिखी थी मुझे, लड़के वाले आ रहे हैं ना? आ गए तुम लोग? वो लोग आए और आकर चले भी गए। मतलब उनको तो रात में आना था ना। तुम लोग क्या रात होने का इंतजार कर रहे थे कि मेहमानों के सामने मुझे जलील करवा सको? अम्मा कैसी बातें करती हैं, मुझे कैसे मालूम होगा कि उनका प्लान चेंज हो गया है, मुझे क्या खबर होगी? खबर हो भी कैसे सकती थी, बीवी के साथ हो तो फोन की आवाज कहाँ सुनाई देती है। इतनी कॉल्स की लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। वैसे तो फोन तुम्हारे हर वक्त हाथ में रहता है। फोन देख लो, देख लो माँ क्या झूठ बोल रही है। अम्मा पता नहीं कैसे साइलेंट पे लग गया, मुझे नहीं पता था। माँ बेवकूफ है लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं है। अपनी बीवी से पूछो ना कि इसने फोन की आवाज क्यों बंद कर दी थी। मैंने अम्मी, मैं क्यों करने लगी ऐसा? हाँ हाँ क्यों नहीं करोगी, दो तीन चीजें इजाफी जो मंगवा ली थी तुम्हारे मियाँ से, आग तो लग गई होगी तुम्हें, तभी तुमने फोन की आवाज बंद कर दी ना। ये सच नहीं है, अगर आपको मेरे बारे में बदगुमानी रखने का शौक है ना तो बड़े शौक से रखें। माँ समझ ठीक कह रही है, वो ऐसा क्यों करने लगी? ज्यादा बीवी की तरफदारियां करने की जरूरत नहीं है, मैं पूछती हूँ देर हुई क्यों जब मैंने कहा था कि घर जल्दी लौटना। अरे अम्मा समन के भांजे की सालगिरह थी, बस हम उसे विश करने चले गए थे और फिर वापसी में रास्ते में बाइक खराब हो गई। भांजे को तोहफा देना जरूरी था या मेरी बेटी का रिश्ता ज्यादा जरूरी था? मैं बस थोड़ी देर के लिए मीरा के घर गई थी, अगर बाइक खराब ना होती तो हम लोग वक्त पर पहुंच जाते, और अगर हमें ये भी पता होता कि उन लोगों का प्रोग्राम बदल जाएगा तो हम जाते ही नहीं। बस बस बंद करो अपनी मक्कारियां, मैं खूब समझती हूँ तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरी सीमा का कहीं रिश्ता तय हो, और तुम तो इतनी बेहया हो कि नंद के रुखसत होने का भी इंतजार नहीं किया तुमने और मेरे बेटे को उकसाकर शादी रचा ली। वाह इतनी मुश्किल से एक रिश्ता आया था, वो भी तुम्हारी मनमानियों की वजह से चला गया, बताओ मैं क्या करूंगी। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा खुदा।